हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल लिटरेचर। आई एम दीक्षा। दिस वीडियो इज अबाउट द पोम, सेकंड पोम इन योर सीबीएसई ग्रेड 10 सिलेबस फायर एंड आइस। ठीक है, इससे पहले हमने कौन सी पोम की थी? डस्ट ऑफ स्नो। और अब हम कौन सी पोम कर रहे हैं? फायर एंड आइस। दोनों किसने लिखी है? वर्ल्ड फेमस पोएट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लाइन टू लाइन डिस्कशन करेंगे पोम की, उसके बाद हम देखेंगे पोएट्री डिवाइसेस। ठीक है, बुक आपके पास होनी चाहिए, पेंसिल आपके एक हैंड में होनी चाहिए। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ठीक है, तो किस चीज की बात हुई है? वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन की बात हुई है। ये तो हमें भी पता है, किसी ना किसी दिन, अब ये हमारा अर्थ प्लैनेट है खत्म, तो ये भी होगा ही किसी दिन। ठीक है, तो जो कई साइंटिस्ट हैं या फिर कई एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कई लोगों ने भविष्यवाणी भी की है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, कई लोग इस चीज के फेवर में हैं कि फायर से खत्म होगी। ठीक है, कि ये आग का धरती गोला बन जाएगा, खत्म हो जाएगी। और कई किससे खत्म होने की बात करते हैं? आइस से। ठीक है, इतनी ज्यादा ठंड पड़ जाएगी, शीतकाल में चले जाएंगे हम, इतनी ठंड पड़ जाएगी अर्थ में कि सारी की सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, ह्यूमन बींग्स की एग्जिस्टेंस रहेगी नहीं अर्थ पे। ठीक है, तो मेन जो जिस्ट है ये वो यही है पोम का, कि ये जो वर्ड है ये खत्म तो होना ही होना है, एंड तो इसका आना ही आना है। ठीक है, प्रेडिक्शंस हुई हैं इस बारे में, पहले भी हुई हैं। ठीक है, बट पोएट ने ये कैसे अपनी इमेजिनेशन में, कैसे ये सिंबोलिज्म का यूज करके हमें ये पोम दी है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वर्ड कैसे खत्म होगा? फायर में। कुछ लोगों का कहना है कि आइस में खत्म होगा। बट व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, बट जो मैंने देखा है, मैंने जाना है, उससे क्या मुझे लगा है? आई होल्ड विद दोज। दोज कौन से होते हैं? वो लोग। ठीक है, होल्ड विद मतलब मैं उन लोगों का सपोर्ट करता हूँ जो कहते हैं कि फायर में खत्म होगी ये दुनिया। ठीक है, आग से खत्म होगी। ठीक है, यहाँ पे फायर और आइस का मतलब वो सिंपल जो प्रेडिक्शन की हुई है ना, फायर से, आग लगने से या बहुत ज्यादा ठंड से खत्म होगी, उस वो नहीं लिया हुआ। यहाँ पे फायर और आइस का मतलब अलग सा लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, फायर को किससे कंपेयर किया हुआ है? डिजायर से। ठीक है, फायर डिजायर राइम भी हो रहा है, इसलिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा याद करना। फायर इज इक्वल टू डिजायर। और सेकंड क्या चीज है? आइस इज इक्वल टू हेट्रेड। ठीक है, आइस किससे? हेट्रेड से। हेट्रेड मतलब नफरत। ठीक है, स्पेलिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपने। ठीक है ना, दोनों पता लग गए हमें, फायर भी पता लग गया। डिजायर क्या होता है? इच्छा। ठीक है, इच्छा मतलब आजकल क्या चल रहा है दुनिया में, लोग उस चीज से खुश नहीं है कि मेरे पास क्या है, बट इस चीज से दुखी है कि दूसरे के पास मुझसे ज्यादा क्यों है, कैसे है। ठीक है, तो ये क्या चीज हो गई? डिजायर हो गई। तो जिंदगी जीने का क्या फिलोसफी होनी चाहिए? जो है उसी में खुश रहो। ठीक है, तो पोएट भी हमें यही समझाना चाहते हैं कि दुनिया जो इन्होंने पहले प्रेडिक्शंस हुई हैं लोगों ने, वैसे खत्म नहीं होगी कि रियलिटी में आइस या फायर से, बट कैसे खत्म होगी? लोगों की जो नफरत है ना दिलों में एक दूसरे के लिए होती जा रही है, वर्ल्ड वॉर्स हो रहे हैं, कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं, ठीक है, वर्ल्ड पावर बनना चाह रही हैं, उसकी वजह से खत्म होगी। जो ये डिजायर है उनका कि हम ही राज करें पूरी कंट्री में, ठीक है, वो डिजायर और वो हेट्रेड, उससे दुनिया खत्म हो सकती है। सेकेंड स्टैंजा देखो, बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, पैरिश मतलब डिस्ट्रक्शन, तबाह, अगर दूसरी बार होनी हो, दो बार होनी हो। पहले तो पोएट ने किस चीज का फेवर किया? फायर का किया। ठीक है, फायर मीन्स डिजायर, लोगों की इच्छाएं, ठीक है, कभी खत्म नहीं होती। जो कुछ आज आज से एक साल पहले जो चाह था वो अब मिल गया, अब कोई और इच्छा हो गई, ठीक है, वो डिजायर होते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। ठीक है, तो यहाँ पे तो दिया ही हुआ है हेट आइस के साथ रिलेट किया हुआ है। ऊपर वाले पैराग्राफ में क्या था? फर्स्ट में फायर और डिजायर को आपस में क्या किया हुआ है? आपस में ही लिखा हुआ है। फर्स्ट वाले स्टैंजा में ही दोनों गिवन है, फायर और डिजायर। सेकंड वाले में क्या गिवन है? आइस एंड हेट्रेड। तो वो कह रहे हैं अगर दो बार दुनिया खत्म होगी तो हेट्रेड, जो लोगों के दिलों में नफरत है एक दूसरे के लिए, उससे भी दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपस में ही लड़ लड़ के ही मर जाएंगे लोग। ठीक है, तो ये
इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, सफिस मीन सफिशियंट है, सिर्फ डिजायर ही नहीं है जो दुनिया को लोगों को खत्म कर देंगे, बट जो ये हेट्रेड है लोगों की वो भी दुनिया को खत्म करने के लिए काफी है। ठीक है, तो ये हो गया मेन जिस्ट या समरी ऑफ द पोम कि इसका मीनिंग क्या निकलता है। अब हम क्या देखेंगे, पोएटिक डिवाइसेस। ओके, फर्स्ट लाइन से शुरू करेंगे, सम से द वर्ड विल एंड इन फायर। सम से फर्स्ट एंड सेकंड में दिख रहा है ना, दोनों में सम से और सम से है। इस वाली पोएट्री डिवाइस रेपिटेशन भी होती है ये एक, तो ठीक है रेपिटेशन तो आम सी पोएट्री डिवाइस है, रिपीट हो रहे हैं तो चलो रेपिटेशन लिख दी। अगर आपको एग्जाम में रेपिटेशन हो ही ना ऑप्शन में, ठीक है एक्सट्रैक्ट आ गया, पूछ लें ये क्या है इसमें यूज, तो क्या लिखोगे? और एलिट्रेशन भी ना आया, ठीक है एलिट्रेशन भी तो बन रहा है, ये स और स साउंड रिपीट हो रही है, एक तो ये एलिट्रेशन है, ठीक है एलिट्रेशन भी है। कई बार इस बार जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ उसमें ये भी था ना, कई ऑप्शन वन भी ठीक है टू भी ठीक है, तो लास्ट में लिखा होता है ऑप्शन वन एंड टू, वन एंड थ्री और वन एंड फोर, इस टाइप के ऑप्शंस भी आ जाते हैं, तो एक से ज्यादा भी सही हो जाते हैं, एलिट्रेशन है ये। सेकेंडली देखो एक रेपिटेशन भी है, ये रिपीट हो रहा है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि बहुत कम आपने सुनी होगी पोएट्री डिवाइस, वो है एनाफोरा। ठीक है, बुक अपनी साथ में रखो, साथ के साथ नोट करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाद में रिवीजन करने में भी आसानी रहेगी। तो ये और क्या है, सम से एनाफोरा है। ठीक है, एनाफोरा एक कौन सी पोएट्री डिवाइस होती है, जब बिगनिंग में टू कंसिक्यूटिव लाइन के ऊपर नीचे लाइन सेम और उनके बिगनिंग में वर्ड्स या फ्रेजेज, ठीक है फ्रेजेज या वर्ड्स क्या हो, रिपीट हो रहे हो, सम से और सम से रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया एनाफोरा। ठीक है, इसी तरह अगर पोम है कोई भी उसके लास्ट में टू वर्ड्स रिपीट हो गए, समझ लो यहाँ पे सेकंड लास्ट लाइन में ग्रेट की जगह सफिस होता, सफिस सफिस हो जाता अगर लास्ट में दोनों लाइंस के, ठीक है ये दोनों लाइंस के लास्ट में सेम हो जाता, इसमें तो है नहीं लेकिन कोई ना कोई पोम ऐसी भी तो आ सकती है जिसमें दोनों लास्ट में सेम हो बिगनिंग में ना हो, तो वो कौन सी डिवाइस हो जाती है हमारी, एपिफोरा। ठीक है, एपिफोरा किससे याद कर सकते हो आप, एंड, ई एन डी एंड होता है ना, वैसे ई से एपिफोरा ऐसे याद कर सकते हो। ये मतलब साथ साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि कंपेयर करके याद करना इजी होता है ना, एक के साथ आपने दो पोएट्री डिवाइस सीख ली, एनाफोरा एपिफोरा दोनों ही सीख ली। ठीक देखो सिर्फ टू वर्ड्स हैं कितनी सारी पोएट्री डिवाइसेस आ गई है ना। अब देखो नेक्स्ट, देखो इसके हम राइम स्कीम भी देख लेते हैं। फायर किसके साथ राइम हो रहा है, डिजायर के, है ना हो रहा है, ए हो गया फायर, डिजायर भी ए हो गया, और ये जो थर्ड में भी फायर है ये भी ए हो गया, और आइस अलग है डिफरेंस है तो बी हो गया, ए बी ए ए। उसके बाद ट्वाइस, स आइस और ट्वाइस हो रहा है ना राइम, बी, और यहाँ भी आइस है बी, ठीक है सफिस, स आइस सफिस ये भी हो रहा है राइम बी, हेट और ग्रेट, ट और ट साउंड राइम हो रहा है, ए बी ए, ठीक है ए, फिर बी सी, ग्रेट और हेट सी, ए बी ए ए बी सी सी पी। तो ये हमारी राइम स्कीम हो गई पोम की। अगर सिर्फ सेकंड पैराग्राफ आ गया तो इसकी पोएटिक, इसकी राइम स्कीम क्या हो जाएगी, अगर तो पूरी पॉम की पूछ ली तो यही लिखोगे ए बी ए ए बी सी सी बी, ठीक है, बट अगर एक ही पैराग्राफ की आ गई, फर्स्ट फर्स्ट की आ गई, तो क्या लिख दोगे ए बी ए ए, उसी टाइम आपको राइम स्कीम बना ही लोगे आप, ठीक है ना, जब पॉम एक्सट्रैक्ट गिवन होगा उससे आप बना लोगे। अगर सेकंड वाला ही सेकंड वाला हुआ तो ट्वाइस और आइस, तो ये ए बन जाएगा, ठीक है ध्यान से समझने की कोशिश करो, अगर फर्स्ट वाला दिया हुआ है तो ये जो मैंने करवाया यही है, अगर आई पॉम तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में सेकेंड ही पैराग्राफ आ गया तो क्या करोगे, ट्वाइस और आइस, तो ये ए और हेट और ग्रेट, ए बी और ए, ये बन जाएगा। ठीक है, ये याद रखनी, ये चीजें छोटी छोटी बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, राइम स्कीम भी हो गई, एनाफोरा भी हो गया, अब आगे देखो एलिट्रेशन भी कर ली, वर्ड विल, व व साउंड आ गया, ये दोनों भी तो क्या है एलिट्रेशन के एग्जाम्पल हैं, है ना, व और व एलिट्रेशन के एग्जाम्पल हैं, ये भी एलिट्रेशन हो गए। ठीक है ना, देन नेक्स्ट
अब देखो इसके बाद इससे हमने जो पहले पोम की थी ना, उसमें एक हमने पोइट्रिक डिवाइस की थी एंजैम्बमेंट। इसमें देखो आपको दिख रही है वो एंजैम्बमेंट का यूज हुआ है या नहीं हुआ, ध्यान से देखो। एंजैम्बमेंट क्या होता है? विदाउट एनी पॉज, फुल स्टॉप, एनी पंचुएशन मार्क, लाइन कंटिन्यूसली चल रही है, फर्स्ट लाइन के बाद कोई फुल स्टॉप नहीं है, सेकेंड तक कंटिन्यूसली चल रही है वो, तो ये एंजैम्बमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद आया फुल स्टॉप, फिर थर्ड चल रही है, फोर्थ में फुल स्टॉप आया, फिर फिफ्थ सेकेंड स्टैंजा की में है कॉमा का यूज, ठीक है। उसके बाद जो है सिक्स लाइन उसमें नहीं है, फिर उसके बाद सीधा जाके कहाँ पे है, लास्ट में है फुल स्टॉप। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? एंजैम्बमेंट का, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें कौन सी पॉइंटिव डिवाइस का यूज हुआ है? मेटाफर का। मेटाफर आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, मेटाफर का मतलब होता है दो बिल्कुल डिफरेंट चीजों को आपस में कंपेयर करना। इसमें किस किस चीज को कंपेयर किया? फायर को डिजायर के साथ, और हेट को आइस को हेट के साथ, ठीक है, हेट्रेड के साथ आइस को करा है। तो ये भी दोनों डिफरेंट चीजें हैं ना, फिर भी उनको कंपेयर किया आपस में, तो ये क्या चीज हो गई, कौन सी डिवाइस हो गई हमारी? मेटाफर, ठीक है। पैराग्राफ में आ जाएगा, एक्सट्रैक्ट आ जाएगा, उसमें बताना है कि कौन सी पोएट्री डिवाइस है, तो ये हो गया मेटाफर, ठीक है। अब इसके अलावा कौन सी पोएट्री डिवाइस है एक इम्पोर्टेंट, जो लास्ट हमने पोम में नहीं पढ़ी थी, वो है परसोनिफिकेशन। इसको भी ध्यान से एक बार समझ लो, ये भी आसान ही है। परसोनिफिकेशन ये साथ के साथ ना बुक में नोट करते रहो। परसोनिफिकेशन में क्या होता है? नॉन ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन बींग्स की एंटिटी क्वालिटी कुछ दे देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो ये फायर है, इसको किससे कंपेयर किया? डिजायर से। लेकिन जो डिजायर है, इच्छा होती है, वो हम इंसानों के अंदर होती है, ठीक है। आग के अंदर कोई इच्छा नहीं होती कि मेरे को जलना है, मेरे को ये करना है, वो करना है, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये एक ह्यूमन एक क्या है, क्वालिटी है ह्यूमंस की, ये नीड है डिजायर, लेकिन किसको हमने सौंप दिया? फायर को दे दिया, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। इन द सेम वे हेट्रेड भी ह्यूमन बींग्स की ही एंटिटी है, इसको हमने किसको दे दिया? आइस को दे दिया। तो ये भी क्या हो गया हमारा? पर्सोनिफिकेशन का यूसेज, ठीक है ना। तो अब ये जो सब थी पोएट्री डिवाइसेस, इसके अलावा एक और है सिंबोलिज्म, ठीक है। सिंबोलिज्म तो ये हम पूरी पोम को भी एक सिंबॉलिक पोम बोल सकते हैं, ठीक है। दिस पोम इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिंबॉलिक पोम, क्यों? क्योंकि दो सिंबल्स का यूज किया पोएट ने, एक फायर का और एक आइस का। इनका यूज किस किस के लिए की है, ये लिखो जो मैं बता रही हूँ तुम्हें, लिखो। फायर किसके लिए यूज हुआ है और आइस किसके लिए यूज हुआ है? पहले हम फायर लिख देख लेते हैं। फायर किस किस के लिए यूज हुआ है? लस्ट के लिए, लिखो इसे। क्वेश्चन ये वाला तो बनता ही बनता है, ठीक है, कि फायर किसके लिए यूज किया, शॉर्ट में आ जाएगा। तो तुम चार पांच तो लिखो ना कम से कम वर्ड्स की, किस किस के लिए है। लस्ट हो गया, फ्यूरी हो गया, क्रुएलिटी हो गया, ठीक है, निर्दय रहना लोगों के साथ या किसी एनिमल्स के साथ भी, और ग्रीड हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो गए हमारे? फायर के लिए। दूसरी तरफ से अगर हम आइस के लिए देखें, जैसे फर्स्ट तो हमें पता ही है आइस के लिए हेट्रेड, हेट्रेड का तो हमें पता ही है ना। उसके अलावा भी किसके लिए यूज होता है ये? रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब रिजिड रहना, अपने जो विचार है उनसे हिलना ही ना, ठीक है। कोई कितना भी समझा ले, होते हैं ना कई लोग, कोई कितना भी कुछ समझा ले, कुछ भी बोले, वो जैसे हैं वैसे रहेंगे, उन्होंने नहीं चेंज होना अपनी लाइफ में कभी भी, अपने खुद के भले के लिए भी नहीं। वो क्या चीज होती है? रिजिडिटी, कि कट्टर जिसको बोलते हैं लोग, ठीक है। देन जेलेसी, जेलेसी की भावना होती है, ये भी एक ऐसा पार्ट है ह्यूमन बींग्स का, कि अगर जेलेसी है तो आपकी खुद की डिस्ट्रक्शन हो रही है, उससे खुद ही तबाह हो रहे हो, ठीक है। उसके बाद एक चीज है इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब है औरों के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ अपने अपने बारे में सोचना, औरों से कोई फर्क ना पड़ना, मेरे को अपनी जो मेरे को पसंद है वही मेरे को करना है, ठीक है, ये हो गया इनडिफरेंस। और इसके बाद है इनटॉलरेंस, ठीक है। इनटॉलरेंस का मतलब क्या है? किसी को टॉलरेट ही ना करना,
ये सब किसका बता रही हूं मैं, सेकंड वाले पैराग्राफ में आइस का है जो, ठीक है। ये सब फोर फोर बता दिया ना मैंने आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा ही आएगा आपका। तो हमने इससे क्या क्या सीख लिया, हमने क्या बोलते हैं जो तुम्हारे एग्जाम में उसके लिए तो सीखा ही, बट रियल लाइफ में भी हमें किन चीजों से दूर रहना है, क्या चीजें हमारी खुद की डिस्ट्रक्शन के लिए ही मेन है, ठीक है, हमारी कोई डेवलपमेंट नहीं होगी उनसे। ये सारी जो भी वर्ड्स यूज हुए हैं, ठीक है, जो भी सिंबलाइज कर रहा है फायर एंड आइस, उससे हमें दूर रहना है जिंदगी में, ठीक है। पोएट इस बात के लिए श्योर है दुनिया खत्म होगी, बट ही इज टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट बिलीव्स, ठीक है, रिगार्डिंग हेट्रेड एंड सेकेंड वन इज क्या था, डिजायर, ठीक है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। अब ये थी सारी की सारी पोम, और आई होप आपको ये समझ आई होगी। अगर कुछ भी इस चीज में समझ नहीं आए तो मुझसे आप दोबारा पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर बता दूंगी। और इसके अलावा भी आपको अगर कोई और चैप्टर पहले करना हो, कोई और पोम करनी हो, या फिर कोई और क्लास के हो आप 9th to 12th, ठीक है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो कौन सी पोम आपको समझनी है, तो मैं वो आपको पहले करवा दूंगी, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।